फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजलि किचन। आज हम इंस्टेंट टोमेटो सॉस बनाएंगे। वैसे तो मार्केट में टोमेटो सॉस आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं और जब हम घर में बनाने के लिए जाते हैं तो हम कंटाला करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि उसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज मैं जिस तरीके से बनाऊंगी तो उसमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट में बहुत ही टेस्टी और मार्केट से भी बढ़िया अपना सॉस बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं टोमेटो सॉस। इसके लिए हमें बहुत ही कम चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने लिए है 1/2 किलो के आसपास टमाटर, तो ये 8 टमाटर है मीडियम साइज़ के, 1/2 कटोरी शक्कर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 2 लहसुन की कलियाँ, थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च पाउडर और नींबू। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टमाटर को काट लेंगे। तो देखिए ये ऊपर का जो हिस्सा है उसे निकाल लेंगे और इसे हम इस तरह से कट करेंगे। तो देखिए इसमें जो बीज है इसे हमें निकाल लेना है, तो इस तरह से हम बीज को निकाल लेंगे और टमाटर को कट करेंगे। बस इसी तरह से हमें सारे टमाटर को कट करना है। तो उसमें के जो बीज है उसे हमें निकाल देना है। और अगर आपके पास लाल टमाटर है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो कोई भी टमाटर हमें सॉस के लिए चलेगा। तो सारे टमाटर को हमने कट कर लिया है और इस तरह से जो बीज है उसे निकाल लिया है। अब बीज इसलिए निकाला है क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए इतने फायदेमंद नहीं है, इसलिए हमने इसे निकाल लिया है। अब जैसे ही हमने टमाटर कट कर लिए, तुरंत एक मिक्सी का जार लिया और उसमें ये सारे कटे हुए टमाटर हमने डाल दिए। अब इसमें हमें डालनी है 2 लहसुन की कलियाँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें डालिए बस। और इसे अब हम मिक्सी में पीस लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है और इसकी प्यूरी बना ली है। अब हमें इसे छान लेना है। तो देखिए सबसे पहले टमाटर को बॉईल करते हैं और उसके बाद उसे पीसते हैं, तो इसका हमारा कितना सारा टाइम अभी बच गया है। इसे अच्छी तरह से हमें छान लेना है। तो देखिए इसे हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसके बाद हमें लेना है एक पैन और इसमें सारी प्यूरी हम डाल देंगे। अब हमें इसमें डालनी है 1/2 कटोरी शक्कर। तो देखिए अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप शक्कर ज़्यादा भी डाल सकते हैं और कम मीठा पसंद है तो कम डाल सकते हैं। और इसमें ही हमें डालनी है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने कलर के लिए डाली है, और अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और डाल सकते हैं। अब इसमें डालनी है 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और दालचीनी के 2 टुकड़े। इस तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद हमने पैन को तुरंत ही गैस के ऊपर रख दिया है और इसे हमें गाढ़ा होने तक इसी तरह से चलाते रहना है। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसी तरह से हमें इसे स्टर करते रहना है। और देखिए अभी और इसे हमें थोड़ी देर रखना है। देखिए इतनी गाढ़ी हो गई है, लेकिन बाजार की हम सॉस देखते हैं तो इसे भी गाढ़ी रहते हैं, तो हम इसे और थोड़ी देर चलाएंगे। अब एक बार हम चेक करके देखते हैं। तो देखिए सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब हमें गैस की फ्लेम बंद करनी है और इसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें डालना है नींबू का रस। अगर आपके पास विनेगर है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर नींबू का रस।
थोड़ा सा ही डालना है। बस सॉस बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सॉस बनकर तैयार हो गया है। हमने इसमें कलर भी नहीं डाला है और विदाउट प्रिजर्वेटिव है। बहुत ही बढ़िया सॉस बनकर तैयार हो गया है। और फ्लेवर के लिए हमने दालचीनी डाली थी, उसे हम निकाल देते हैं। तो देखिए बढ़िया सॉस बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स 5 मिनट में सॉस बनकर तैयार है और टेस्ट बिल्कुल मार्केट जैसी लाजवाब हो गई है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। धन्यवाद।